नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सहकारी समिति बी पैक्स चिलवरिया व बहादुरपुर का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। बोरियों को गिनवा कर उपलब्ध स्टॉक का किया सत्यापन। स्टॉक बिक्री एवं वितरण पंचिका को अद्यतन रखने के दिए निर्देश। वर्तमान समय में रबी फसलों की बुआई के समय फसल वेसल ड्रेसिंग हेतु कृषकों को उनकी जोत बही खतौनी के आधार पर निर्धारित मूल्य पर फास्फेटिक उर्वरकों यथा डीएपी एनपीके एवं एसएसपी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने इफको द्वारा संचालित सहकारी समिति बी पैक्स चिलवरिया व बहादुरपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक पंजिका में दर्शाई गई उपलब्धता को गोदाम में उपलब्ध बोरियों की संख्या को गिनवाकर भौतिक सत्यापन किया तथा गोदाम व वितरण पंजिका का सघन निरीक्षण करते हुए एआर को ऑपरेटिव संजीव तिवारी को निर्देश दिया कि सभी पंजिकाओं को अद्यतन रखा जाए। बिक्री वितरण एवं स्टॉक पंजिका के अवलोकन के दौरान डीएम द्वारा रैंडम तिथियों के आधार पर बिक्री की गई उर्वरक की मात्रा का मिलान खारिज पंजिका से करते हुए निर्देशित किया कि प्रविष्टियों को अद्यतन रखा जाए। साथ ही स्टॉक पंजिका के अवलोकन करने पर पाया गया कि वितरण पंजिका को अपडेट नहीं किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंजिकाओं का अवलोकन न करने तथा क्रेता किसान की खतौनी का वितरण भी अद्यतन न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए एआर को ऑपरेटिव को निर्देश दिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कृषकों को उर्वरक का वितरण सुनिश्चित कराए जाने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बृहद कार्यशाला आयोजित कर शासन देश की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। डीएम मोनिका रानी ने निर्देश दिया है कि कृषकों को उर्वरकों की बिक्री करते समय उनकी जोत बही खतौनी में अंकित कृषि भूमि एवं बोई जाने वाली फसलों के निर्धारित संतुतियों के अनुसार POS मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही सभी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा विक्रय रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से पूर्ण वितरण अंकित किया जाए। क्रेता कृषक की जोत बही खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का वितरण तथा आधार नंबर भी अनिवार्य रूप से अंकित करें। डीएम ने एआर कोऑपरेटिव को निर्देश दिया है कि जिले में प्राप्त होने वाले उर्वरकों का सुगमता पूर्वक कृषकों की मांग आवश्यकता के अनुरूप वितरण किए जाने हेतु साधन सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक बिक्री केंद्र पर उर्वरक की बिक्री की सतत निगरानी किए जाने हेतु कृषि सहकारिता ग्राम्य विकास विभाग एवं यथाश्वक्ता अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बिक्री केंद्रवार ड्यूटी लगाई जाए तथा प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने निरीक्षण के समय बिक्री केंद्रों पर उर्वरक वितरण रजिस्टर पर कृषकों की जोत बही खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का वितरण अंकित किए जाने का भी सत्यापन किया जाए। डीएम ने एआर कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि यदि उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाए तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान के अनुसार प्रभावी विधि संगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। विक्रेताओं के साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टॉकिस्टों के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई थोक विक्रेता स्थानीय स्तर पर उर्वरक का अनावश्यक भंडारण कर उर्वरकों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न न करने पाए। डीएम ने कहा कि यदि कहीं पर अधिक भंडारित स्टॉक पाया जाता है तो उसे तत्काल बाजार में कृषकों के लिए बिक्री हेतु अवमुक्त कराएं, साथ ही दोषियों के विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।